हेलो एवरीवन, लास्ट क्लास में हम साइटोकाइनिन के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, जिसमें उसकी डिस्कवरी किसने की थी, फर्स्ट टाइम किसे डिस्कवर किया गया था, हेरिंगवेल से काइनेटीन को, देन प्लांट के फॉर्म में जो प्लांट्स आइसोलेट किया था उसका नाम था जियाटीन, जो कि जिया मेस से आइसोलेट किया गया था, इसके टाइप्स, इसका फंक्शन, मेन फंक्शन इसका क्या था, सेल डिवीज़न। सो ये सब हम लास्ट क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे साइटोकाइनिन के बारे में, कंटिन्यू करते हुए इसका बायोसिंथेसिस एंड इसके मेन फिजियोलॉजिकल रोल। सो जैसा आपको पता है, साइटोकाइनिन एक फाइटो हार्मोन है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कहते हैं जिसे, जो कि प्लांट की एक साइड पर जाकर बनता है और दूसरी साइड पे जाकर अपना फंक्शनल रोल प्ले करता है। तो साइटोकाइन भी इसी तरह से काम करता है। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसका बायोसिंथेसिस स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले कि साइटोकाइनिन का बायोसिंथेसिस, यानी कि साइटोकाइनिन कैसे बनता है, ये कहाँ बनता है, क्वेश्चन ये अराइज होता है। जैसे कि हमने ऑक्सीजन के अंदर पढ़ा था कि जितने भी बायो एसिड किए थे उससे ये जो कंक्लूज़न निकल कर आया था कि साइटोकाइनिन सूट टिप पर, मोस्ट ऑफ सूट टिप पर बन रहा था, क्योंकि सूट टिप कैसा था, मेरिस्टमेटिक था नेचर में, तो सूट टिप पर बनता था, और वो भी जब लाइट मिलती थी उसकी अपोजिट डायरेक्शन वाली सेल्स के अंदर। इसी तरह से जो साइटोकाइनिन है वो कहाँ बनता है, जब हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो वो सूट टिप पर बनता है, लेकिन जब हम साइटोकाइनिन की बात करते हैं तो ये रूट टिप पर बनता है। सो एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे कि पहले बताया मैंने कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का काम ही होता है जिस साइड पे बनते हैं उसकी बिल्कुल अपोजिट साइड पे जाके ये अपना फंक्शनल रोल प्ले करते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन में पढ़ा आपने कि ऑक्सीजन बनता सूट टिप है, लेकिन वो फंक्शनल रोल प्ले करता है रूट पे, यानी कि वो रूट के प्रोडक्शन में, रूट को इंड्यूस्ड करता है, रूट का फॉर्मेशन ज़्यादा करवाता है। इसी तरह से साइटोकाइनिन बनता रूट टिप पे, स्पेशली जो अगर हम मेन कहें तो बनता रूट टिप पे है, वहाँ की जो मेरिस्टमेटिक सेल्स होती है वहाँ पर, लेकिन इसका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है सूट टिप पे, यानी कि अगर हम किसी प्लांट को ज़्यादा साइटोकाइनिन दें तो उसके अंदर सूट का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा, सूट की ग्रोथ ज़्यादा होगी, और अगर हम किसी प्लांट को ऑक्सीजन दें तो उसके अंदर रूट की फॉर्मेशन ज़्यादा होगी, यानी कि रूट की ग्रोथ में वो हेल्प करेगा, रूट को इंड्यूस्ड करेगा, और साइटोकाइनिन सूट को इंड्यूस्ड करेगा, और ये दोनों ही अपने अपने फंक्शनल रोल के ऑपोजिट वाली जगह बनते हैं। जैसे साइटोकाइनिन सूट को इंड्यूस्ड कर रहा है तो रूट टिप पे बन रहा है, और ऑक्सीजन रूट को इंड्यूस्ड कर रहा है तो सूट टिप पे बन रहा है। सो ये है इनकी मेन साइट। इसके बाद में ये कहीं भी बन सकता है, जहाँ भी मेरिस्टमेटिक सेल्स मिलेंगी वहाँ पर साइटोकाइनिन बन सकता है। अब इसका बायोसिंथेसिस पाथवे, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि साइटोकाइनिन की सिंथेसिस के लिए एज अ प्रिकर्सर, यानी कि जिससे ये बनेगा, उसके लिए एडेनिन की रिक्वायरमेंट थी। जब हेरिंगवेल पे एक्सपेरिमेंट किए गए थे तब उसका डीएनए आइसोलेट करके उसका जब कल्चर कराया था तब ये पता चला था कि अगर सारे ही बेस पेयर में से अगर एडेनिन को दिया जाता है तो एडेनिन सबसे ज़्यादा सेल डिवीज़न को इंड्यूस कर रहा था, यानी कि साइटोकाइनिन के फॉर्मेशन में एडेनिन का मेन रोल है, तो इसलिए साइटोकाइनिन के फॉर्मेशन में एडेनिन एज अ प्रिकर्सर काम करता है। अब यहाँ पर एडेनिन के लिए सोर्स क्या होगा, तो जब हम साइटोकाइनिन का बायोसिंथेसिस पढ़ते हैं, अगर प्लांट में पढ़ें तो इसमें एडेनिन के सोर्स के लिए हम लेते हैं, मतलब प्लांट यूज़ करता है एडीपी या एटीपी। एडीपी एडिनोसिन डाईफॉस्फेट एंड एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ये दोनों ही एनर्जी की फॉर्म है, लेकिन प्लांट में एडीपी एंड एटीपी। और जब हम इसकी बात करते हैं बैक्टीरिया की तो इसमें ये यूज़ करते हैं एएमपी। सो एडीपी या एएमपी या एटीपी जो भी ये हैं, जहाँ पर ये ए यूज़ हो रहा है, ये इस ए को एज एडेनिन यूज़ करेंगे एज प्रिकर्सर। तो ये यहाँ से, क्योंकि साइटोकाइनिन के बायोसिंथेसिस के लिए इसका प्रिकर्सर एडेनिन था, तो ये इनका प्रिकर्सर इस एडेनिन, ये जो एडेनिन है एडीपी और एटीपी में, इसके पास है कि यहाँ से इस प्रिकर्सर को यूज़ करेंगे और आगे जाके साइटोकाइनिन का सिंथेसिस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लांट में, प्लांट्स क्या करते हैं, एडीपी या एटीपी को
यूज़ करते हैं एज अ प्रिकर्सर सोर्स, यहाँ से ही एडिनिन का यूज़ करते हैं। अब ये एडीपी या एटीपी क्या फॉर्मेट, हम प्लांट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये एडीपी या एटीपी दोनों ही आईपीपी आइसोपेंटाइल पाइरोफॉस्फेट, इस आईपीपी को यूज़ करते हैं और बनाते हैं आईपीडीपी या आईपीटीपी। आपको एज सिंपल सिर्फ इतना याद रखना है कि प्लांट के अंदर एडीपी या एटीपी आईपीपी को यूज़ करेंगे और बनाएंगे आईपीडीपी, एडीपी से बन जाएगा आईपीडीपी आइसोपेंटाइल डाइफॉस्फेट और एटीपी से बन जाएगा आईपीटीपी आइसोपेंटाइल ट्राइफॉस्फेट। अब ये आईपीडीपी या आईपीटीपी आगे जाके कन्वर्ट होते हैं जियाटीन डाइफॉस्फेट या जियाटीन ट्राइफॉस्फेट। एडीपी से आईपीडीपी यानी कि एडीपी से बनता है आइसोपेंटाइल डाइफॉस्फेट और इस आइसोपेंटाइल डाइफॉस्फेट से बनता है जियाटीन डाइफॉस्फेट। ऐसे ही एटीपी से बनता है आइसोपेंटाइल ट्राइफॉस्फेट और इससे बनता है आगे जाके जियाटीन ट्राइफॉस्फेट। इसके बाद ये दोनों जेडीपी या जेडटीपी यानी कि जियाटीन डाई या ट्राइफॉस्फेट दोनों ही जियाटीन राइबोसाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। राइबोसाइड जो शुगर होती है उससे ये ऐड हो जाते हैं और वहाँ पर जियाटीन राइबोसाइड या जियाटीन राइबोसाइड डाई के लिए, ट्राई के लिए जियाटीन राइबोटाइड, इस फॉर्म में ये कन्वर्ट होने के बाद ये जियाटीन के अंदर कन्वर्ट होंगे। यहाँ पर बहुत सारे एंजाइम्स हैं लेकिन मैं आपको एज सिंपल सिर्फ इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको एटलीस्ट ये याद हो जाए कि किससे क्या बन रहा है। सो इतना कॉम्प्लेक्स ना करते हो, आप इसे इतना ही समझ लीजिएगा कि ये जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड, वैसे ही यहाँ पे राइबोसाइड एंड राइबोटाइड का फॉर्मेशन हो जाता है जियाटीन डाई या ट्राइफॉस्फेट से और ये दोनों ही जियाटीन राइबोसाइड या जियाटीन राइबोटाइड दोनों ही कन्वर्ट होते हैं जियाटीन में। जैसे मैंने लास्ट क्लास के अंदर बताया था कि जो जियाटीन है ये सबसे पहले डिस्कवर किया गया था जियामेज से और ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला साइटोकाइनिन है, नेचुरल साइटोकाइनिन है और साइटोकाइनिन अपनी ट्रांसफॉर्म में एक्टिव रहते हैं। तो यहाँ पर ये जियाटीन जियाटीन राइबोसाइड या जियाटीन राइबोटाइड कन्वर्ट होता है जियाटीन में, लेकिन कौन सी फॉर्म है इसकी, ये ट्रांसफॉर्म जिसके अंदर ये सबसे ज़्यादा एक्टिव रहेगा यानी कि इसके अंदर ये अपना फंक्शनल रोल प्ले करेगा। अब जब इसे स्टोरेज होना होता है तो ये जियाटीन ट्रांसफॉर्म से सिस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और इस ये काम ट्रांस को सिस में कन्वर्ट करने का काम करता है आइसोमरेज एंजाइम। अगर याद रहता है तो ठीक है, नहीं तो ये याद रखना कि ये जियाटीन ट्रांसफॉर्म में एक्टिव रहेगा, फंक्शनल रोल प्ले करेगा और सिस फॉर्म के अंदर ये स्टोरेज होगा इसका। ये तो बात कर रही थी हमने प्लांट की। अब जब हम बैक्टीरिया की बात करते हैं तो दोनों ही पाथवे सेम है लेकिन यहाँ पर एएमपी को यूज़ किया गया इसलिए इस एएमपी से बनता है आईपीएमपी। यहाँ पे आईपीडीपी आईपीटीपी बना, यहाँ पे बना आईपीएमपी क्योंकि एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है यहाँ, तो यहाँ पर जब ये एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट आईपीपी को यूज़ करेगा तो बनाएगा आईपीएमपी यानी कि आइसोपेंटाइल मोनोफॉस्फेट। अब ये आइसोपेंटाइल मोनोफॉस्फेट कन्वर्ट हो जाएगा जियाटीन मोनोफॉस्फेट में यानी कि जेडएमपी। अब ये जियाटीन मोनोफॉस्फेट जियाटीन राइबोसाइड या जियाटीन राइबोटाइड में कन्वर्ट होगा, राइबोटाइड भी है यहाँ पे, और ये दोनों ही जाकर कन्वर्ट हो जाएंगे जियाटीन की ट्रांसफॉर्म में जो कि एक्टिव होती है एंड देन अगर स्टोरेज होना होता है तो सिस फॉर्म में। सो प्लांट और बैक्टीरिया दोनों में ही पाथवे सेम है, बस जो सोर्स है एडेनिन का वो अलग अलग है। इस वजह से यहाँ पर डाई या ट्राई यूज़ हो रहा है और यहाँ पे मोनो यूज़ हो रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने एएमपी को लिया है, मोनोफॉस्फेट फॉर्म ली है और यहाँ पे हमने डाई फॉस्फेट या ट्राई फॉस्फेट फॉर्म ली। एंड में जो कंक्लूज़न निकलेगा इसका कि ये बनाएंगे जियाटीन जो कि इसकी ट्रांसफॉर्म में एक्टिव रहता है और जब इसे स्टोरेज होना होता है तो ये अपनी सिस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है जिसका काम यहाँ पर आइसोमरेज करके एंजाइम करता है। ये है बायोसिंथेसिस साइटोकाइनिन का। सो आपको एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए कि इसका प्रिकर्सर कौन है, तो इसका प्रिकर्सर एडेनिन है जो कहाँ से मिल रहा है इन्हें, जो इन ये एनर्जी फॉर्म है एडीपी एटीपी एएमपी इनसे यूज़ करते हैं और एंड में ये कन्वर्ट होके क्या बनाते हैं, तो ये एंड में कन्वर्ट होके जियाटीन बनाते हैं जो कि ट्रांसफॉर्म में एक्टिव रहता है। बनते कहाँ पे हैं, रूट टिप पे बनते हैं, फंक्शनल रोल प्ले कहाँ करते हैं, मोस्ट ऑफ सूट टिप पे करते हैं। सो ये आपका बायोसिंथेसिस पाथवे कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ेंगे इसके फिजियोलॉजिकल रोल। यहाँ पे मैं आपको मैन फिजियोलॉजिकल रोल्स बता रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल
साइटोकाइनिन का जो मेन काम है वो है सेल डिवीज़न का, साइटोकाइनिन सेल डिवीज़न को इंड्यूस कर। सो जैसा कि हम लास्ट क्लास में भी पढ़ चुके थे कि साइटोकाइनिन सेल डिवीज़न को इंड्यूस्ड कर रहा था, यानी कि सेल डिवीज़न को प्रमोट करता है, ये सब ने बताया था, हेबरलैंड ने बताया था, इस तरह से बहुत सारे साइंटिस्ट ने ये देखा था कि प्लांट के अंदर, एनिमल्स के अंदर कुछ ऐसा है जो कि सेल डिवीज़न को प्रमोट कर रहा है। ये चीज़ आपको मैंने स्ट्रीम बताई थी कि पहले, सबसे पहले फ्लोएम में पता चला कोई ऐसा कंपाउंड है जो सेल डिवीज़न को प्रमोट कर रहा है। इसके बाद वैस्कुलर टिश्यूज़ में पता चला, जो कोकोनट मिल्क है उसमें पता चला कि उसके एंडोस्पर्म में कुछ ऐसा कंपाउंड है जो कि सेल डिवीज़न को प्रमोट कर रहा है। एंड में मिलर ने हेरिंग वेल से इसे एक्सक्लूड आउट किया, इसे डिस्कवर किया कि ये एक कंपाउंड है जिसे उन्होंने काइनेटीन कहा, 6-परफिरल अमीनोप्यूरिन जिसका नाम था। सो एंड ऑफ द कंक्लूज़न ये है कि साइटोकाइनिन का मेन रोल जो था वो सेल डिवीज़न का था। इसके अलावा ये क्या करता है, ये इंड्यूस्ड करता है लेटरल बड ग्रोथ को। आपने जब ऑक्सिन पढ़ा था तो ऑक्सिन में मैंने आपको बताया था कि ऑक्सिन क्या करता था, एपिकल बड ग्रोथ को इंड्यूस्ड करता था। अब एपिकल और लेटरल में क्या फ़र्क है ये चलिए बता देती हूँ मैं आपको। सो आपने देखा था ऑक्सिन के अंदर इस तरह से मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया था, और ये स्ट्रक्चर आपको भी पता होगा, इसे आप बोलते हैं सूट एपिकल मेरिस्टम, जिसके अंदर ये दोनों लीफ प्राइमोडिया को इंड्यूस्ड करते हैं और ये सूट को। तो अगर हम उस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए एक सिंपल चीज़ आपको यहाँ याद रखनी है कि इसका ये जो पोर्शन है, ये जो फ्रंट वे है, इसे आप बोलते हैं एपिकल बड, ये जो हैं साइड वाले इन्हें आप कहते हैं लेटरल बड। सो साइटोकाइनिन क्या करता है, साइटोकाइनिन इनकी तरफ न्यूट्रिएंट्स को लेके जाता है, यानी कि साइटोकाइनिन कहाँ जाएगा, लेटरल बड की तरफ, और इनको इंड्यूस्ड करेगा और इसको इनहिबिट कर देगा, यानी कि वो इसको तो ज़्यादा ग्रोथ नहीं होने देगा कि एपिकल साइड की बड, यानी कि जो मेन टिप है वो ग्रोथ ना करे, साइड से ब्रांचेस निकले, साइड से उसमें ब्रांचिंग होती जाए जिससे कि लेटरल बड का ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मेशन हो। चाहे आप ब्रांच में देख लें तो लेटरल बड्स बनेंगी, यानी कि उसको सिमिलरली एक डायरेक्शन में, यूनिफॉर्म डायरेक्शन में ग्रोथ करने को इनहिबिट कर रहा है कि उसका जो एपिकल वाला पोर्शन है वो कम ग्रोथ हो, लेटरल साइड की ग्रोथ ज़्यादा हो। साइटोकाइनिन का ये काम था। ऑक्सिन क्या करता था, ऑक्सिन का यहाँ पे काम था, ऑक्सिन इसको तो इंड्यूस्ड करता था और इन्हें इनहिबिट करता था, वो लेटरल बड ग्रोथ को नहीं होने देता, यानी कि साइड से ब्रांचिंग को इनहिबिट करता था कि साइड से ब्रांचिंग ना हो। ऑक्सिन का काम यही था कि साइड से ब्रांचिंग को रोकता था और एपिकल वाले को इंड्यूस्ड करता था कि सीधी सीधी उसकी ग्रोथ होती जाए, और साइटोकाइनिन बिल्कुल इसके अपोजिट काम करता है। सो यहाँ पर यही लिखा है कि ये इंड्यूस्ड करता है लेटरल बड ग्रोथ को और एपिकल बड को इनहिबिट करता है। ये चीज़ क्लियर होती है। सो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट इसका ये है कि ये सीड जर्मिनेशन को इंड्यूस्ड करता है। मैंने आपको क्लास में बताया था कि साइटोकाइनिन अगर प्लांट में होता है, प्लांट के सीड के अंदर, तो ये सीड जर्मिनेशन इंड्यूस्ड करेगा, और अगर उसे डॉर्मेंसी पीरियड चाहिए, यानी कि वो उसकी प्रसुप्त अवस्था रेस्टिंग पीरियड में जाता है, तो सीड के अंदर एब्सिसिक एसिड होता है। ये एब्सिसिक एसिड उसे प्रसुप्त अवस्था डॉर्मेंसी पीरियड में बनाए रखने में हेल्प करता है, ताकि वो जो अनफेवरेबल कंडीशन है उसे टॉलरेट कर पाए। लेकिन जब फेवरेबल कंडीशन आती हैं, तो जब फेवरेबल कंडीशन आती हैं तो वो सीड जर्मिनेट होने के लिए उसके अंदर एब्सिसिक एसिड का अमाउंट कम होता जाता है और साइटोकाइनिन एंड जिब्रेलिन का अमाउंट बढ़ता जाता है, तो साइटोकाइनिन भी सीड जर्मिनेशन में हेल्प करता है। फोर्थ पॉइंट ये है कि ये लीफ सेनेसेंस को डिले करवाता है। लीफ सेनेसेंस क्या होता है, जब लीफ अपनी यंग एज से मैच्योर एज तक आ जाती है, यानी कि जब वो छोटी सी कलियाँ होती हैं उनसे लेके धीरे धीरे करके वो पूरी अपनी एज कंप्लीट कर लेती हैं, और उसके बाद वो धीरे धीरे येलो होकर नीचे फॉल डाउन हो जाती हैं, नीचे गिर जाती हैं, तो उसे बोलते हैं लीफ सेनेसेंस, कि लीफ अपनी एज कंप्लीट करने के बाद नीचे गिरती है और पेड़ों से पत्तियों का झड़ना, इस तरह से कह सकते हैं आप।
तो इसे लीफ सेनेसेंस कहते हैं। ये टाइम के साथ साथ बढ़ता जाता है। लेकिन साइटोकाइनिन का अगर आप उस प्लांट को अमाउंट देते रहें तो ये लीफ सेनेसेंस को डिले कर सकता है। मैंने ये नहीं कहा कि बिल्कुल ही रोक देगा, डिले करेगा, यानी कि जो पत्ती आज गिरे वो ज़रूरी नहीं कि आज गिरे, वो 3 दिन बाद गिरेगी। उसको थोड़ा धीरे गति से होने में हेल्प करता है, उसको थोड़ा कम कर देता है लीफ सेनेसेंस को। इसे रिचमंड लैंग इफेक्ट भी कहते हैं। क्या है रिचमंड लैंग इफेक्ट? रिचमंड लैंग इफेक्ट ये है कि इथाइलिन अगर प्रेजेंट हो प्लांट में तो लीफ सेनेसेंस ज़्यादा होता है। ये सारे ही हार्मोन है, सबका अलग अलग रोल है, कोई किसी के अपोजिट काम करता है तो कोई किसी के साथ मिलकर काम करता है। तो अगर इथाइलिन प्लांट में प्रेजेंट होता है तो लीफ सेनेसेंस होता है। लेकिन अगर हम उस प्लांट को साइटोकाइनिन दे दें तो साइटोकाइनिन देने पर वो प्लांट लीफ सेनेसेंस में डिले करता है, यानी कि आज नहीं होगा 2 दिन बाद होगा, तो लीफ सेनेसेंस में डिले होने लगता है, पत्तियाँ कम झड़ती हैं और धीरे धीरे झड़ती हैं। तो इसे आप बोलते हैं रिचमंड लैंग इफेक्ट। इथाइलिन क्यों प्रमोट करता है? क्योंकि इथाइलिन का नाम है फ्रूट राइपनिंग हार्मोन, यानी कि राइपन होने में, राइपन का मतलब पकना, कोई चीज़ के पकने में हेल्प करता है। तो एक तरह से लीफ की भी एज को कंप्लीट करता है, जिससे कि उसके अंदर के सारे न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाते हैं और धीरे धीरे न्यूट्रिएंट्स के ख़त्म होने से वो येलो कलर की हो जाती है एंड देन फॉल डाउन हो जाती है। सो उसे इनहिबिट करता है साइटोकाइन, इसे बोलते हैं रिचमंड लैंग इफेक्ट। अगर आपको याद रहता है तो ठीक है, नहीं तो इट्स ओके। इतना तो याद रखना कि लीफ सेनेसेंस में हेल्प कर रहा, मतलब उसे इनहिबिट करने में, डिले कर रहा है, उसे इनहिबिट होने में हेल्प कर रहा है। ओके, फिफ्थ है पॉइंट, ये इटियोप्लास्ट को क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट होने में हेल्प करता है। अब इटियोप्लास्ट क्या है? इटियोप्लास्ट अगर प्लांट को डार्क में उगाया जाए, यानी कि अगर प्लांट आप अंधेरे में उगाते हैं, तो उस अंधेरे में प्लांट को उगाने पर उसमें क्लोरोप्लास्ट की जगह पे इटियोप्लास्ट बनते हैं। इटियोप्लास्ट एक तरह का प्लास्टिड ही है, जिसे आप क्या बोलते हैं हिंदी में, लवक। सो ये एक तरह का लवक ही है। क्लोरोप्लास्ट के पास क्या होता है? ग्रीन सेल्स का अमाउंट ज़्यादा होता है, यानी कि वो ग्रीन सेल्स होंगे उनके पास क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा होता है। तो जब आप, और ये क्लोरोप्लास्ट क्या हेल्प करता है? ये क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहा है। लेकिन जब प्लांट डार्क में उगेगा तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, इस वजह से धीरे धीरे करके उसके अंदर से क्लोरोप्लास्ट ख़त्म हो जाते हैं। अगर आप स्टार्टिंग से ही अंधेरे में उगाते हैं तो उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट का फॉर्मेशन ही नहीं होगा। लेकिन अगर आपने कोई प्लांट को लाइट में, जो ग्रो हो रहा था अच्छा खासा, उसे आप अंधेरे में लेके आते हैं, डार्क फेज में लाते हैं, तो उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट इटियोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि वो सारे क्लोरोप्लास्ट ऐसे प्लास्टिड में कन्वर्ट हो जाते हैं जो कि ना तो फॉर्मेशन करेंगे फूड का, ना ही फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेंगे, ये एज अ प्लास्टिड पड़े रहेंगे। तो जब डार्क में प्लांट उगता है तो उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट की जगह इटियोप्लास्ट बनता है। सो साइटोकाइनिन यहाँ पे क्या हेल्प करता है? साइटोकाइनिन क्या करेगा? अगर आप किसी प्लांट को साइटोकाइनिन का अमाउंट दे दें तो जो प्लांट अंधेरे में उग रहा है उसके पास इटियोप्लास्ट का होना चाहिए अधिकता, तो ये इटियोप्लास्ट धीरे धीरे करके क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट होने लगते हैं। या आपने किसी प्लांट को अंधेरे से लाकर सीधे ही लाइट में रखा तो उसके अंदर धीरे धीरे बहुत टाइम के साथ में क्लोरोप्लास्ट का फॉर्मेशन होगा, लेकिन अगर आप उसे साइटोकाइनिन का अमाउंट देने लग जाएं तो वो कम टाइम में ही रिकवर कर लेगा, यानी कि वो जो इटियोप्लास्ट हैं धीरे धीरे करके क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो साइटोकाइनिन का अमाउंट इटियोप्लास्ट को क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट में हेल्प करता है, जिससे कि वो प्लांट वापस से अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है, फोटोसिंथेसिस करने लगता है। नेक्स्ट टॉपिक ये है इसका, नेक्स्ट पॉइंट, कि ये सूट फॉर्मेशन को इंड्यूस्ड करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर हम किसी प्लांट को ऑक्सिन देते हैं तो वो रूट फॉर्मेशन को इंड्यूस्ड करती है। जैसे कि आप माइक्रोप्रोपेगेशन में पढ़ते हैं, कैलस कल्चर में, कल्चर मीडियम में अगर हम ऑक्सिन दें, IAA इंडोल एसिटिक एसिड एक ऑक्सिन है, अगर आप उसे देते हैं कल्चर मीडियम में, इंडोल एसिटिक एसिड देंगे तो रूट का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा। जैसा कि आपने माइक्रोप्रोपेगेशन में पढ़ा होगा कि पहले जब सिडलिंग बनती है तो उस सिडलिंग को, या आप एक्सिलरी बर्ड लाते हैं तो उसे आप ऑक्सिन मीडियम में रखते हैं, उस मीडियम में जिसमें ऑक्सिन की अधिकता है, जिससे कि रूट का फॉर्मेशन होता है। एंड देन उसे, उस कैलस को लेकर
या उस एक्सिलरी बट को लेकर आप सूट फॉर्मेशन के लिए हेल्प करते हैं, यानी कि सूट फॉर्मेशन वाली मीडियम में रखेंगे जिसके अंदर साइटोकाइनिन का अमाउंट ज़्यादा हो। तो सिंपल सी चीज़ यहाँ पे ये है कि अगर ऑक्सिन का अमाउंट कल्चर मीडियम में ज़्यादा है या ऑक्सिन का अमाउंट ज़्यादा है तो वहाँ पे रूट का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा, रूट की ग्रोथ ज़्यादा होगी, और अगर साइटोकाइनिन का अमाउंट ज़्यादा है तो सूट का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा, और अगर दोनों का ही अमाउंट इक्वल है तो कैलस का फॉर्मेशन होगा। ये चीज़ आप माइक्रोप्रोपेगेशन के अंदर एकदम क्लियर कट पढ़ते हैं। सो ये इसके मेन फिजियोलॉजिकल रोल्स थे, इसके अलावा भी बहुत सारे होंगे लेकिन एटलीस्ट आपको ये इम्पोर्टेंट तो पता होने चाहिए और इनके बारे में मैंने बता दिया। अगर अभी भी कोई क्यूरी हो फिजियोलॉजिकल रोल्स में, बायोसिंथेसिस में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और एक चीज़ मैं बार बार कह रही हूँ, अगर आपको ये पूरा पाथवे याद नहीं रहता है तो एटलीस्ट इतना याद रख लीजिएगा कि इसका प्रिकर्सर कौन है, इसके प्रिकर्सर के बाद इन्होंने किसको यूज़ किया। IPP को याद रहता है तो ठीक है, नहीं तो प्रिकर्सर एंड जो फॉर्म बनेगी वो होगी GRT, इसे तो याद रख ही लीजिएगा। और वैसे ही ऑक्सिन के अंदर क्या था प्रिकर्सर, ऑक्सिन के अंदर प्रिकर्सर था ट्रिप्टोफैन, एंड देन बना रहा था वो बहुत सारे पाथवे IPA INA इस तरह से, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। सो अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन हो साइटोकाइनिन के अंदर आपको, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इसी के साथ हमारा साइटोकाइनिन का टॉपिक भी कंप्लीट होता है। सो टिल देन लर्न करते रहिए। थैंक यू।